सामने खड़े होने का काम करेगी। ये सब सरकारों से आस्था लोग ये चाहते हैं। ये सरकार आपके सामने वो सरकार है जिसने आप लोगों को वायदे बहुत किए परंतु एक भी वादा पूरा करके दिया हो तो मुझे बता। मैंने नहीं देखा किसी। मैं अस्पताल से चालू करना चाहती हूँ, मैं छोड़ गई थी वो अस्पताल। 500 करोड़ का अस्पताल आज तक बन के तैयार हो जाता, ना इस अस्पताल की व्यवस्था है ना उस अस्पताल की व्यवस्था है। और इतना सुंदर काम, इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी जमीन देने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं करे, इसका इससे बड़ा पाप ये क्या हो सकता है। स्टेडियम को पूरा करने का काम हमने शुरुआत किया था, सेकंड फेज का काम ही चालू करना था। और मैं समझती हूं कि वो ऐसा बढ़िया शानदार स्टेडियम हो जाता जिसके लिए सब लोग यहां तो खुशी से उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, बाहर के लोग भी बड़े खुशी के साथ यहां आ सकते हो। आज वो स्टेडियम को पूरा नहीं कर सकते। आप तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो मंत्री के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि वो IIT को अपने यहां कोटा के अंदर ला के खड़ा कर, दिल्ली और बंबई से लगा हुआ इलाका सब लोग दूर दूर से यहां आते हैं। नालंदा का नाम एक दफा सुना करते थे, बड़ी यूनिवर्सिटी को वो आपके बिहार में, उसके बाद कोटा का नाम सुनाई देता है कि सो कोटा है, जिस कोटा के अंदर भरपूर बच्चे आते हैं परीक्षा पास करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। हमने तय किया था कि एक एक संभाग में एक एक बड़ी यूनिवर्सिटी अपन देने का काम करेंगे। हमने उदयपुर के लिए IIIT की, उसके लिए IIM, सबके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपने अजमेर के लिए, सबके लिए एक एक करके रखा था। कोटा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने को IIT भेजा, इसको भी बचा के नहीं रख सके। यहां इतना भी नहीं काम कर सके, इतनी छोटी चीज थी वो नहीं कर सके। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आगे चल के क्या करेंगे, ये चार मूर्तियों से हम क्या करेंगे। तो तभी सजाते हैं ना जब घर की दीवार खड़ी हो जाती है, कमरे तैयार हो जाते हैं, किचन लग जाता है, जब जरूरत के काम है तैयार हो जाते हैं, तब उसका सौंदर्यकरण होता है। यहाँ उनका काम है, कोई काम नहीं हो रहा पूरे क्षेत्र के अंदर, और सौंदर्यकरण करके पैसे कमाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ों करोड़ों रुपया लग रहे हैं, जा कर रहे हैं। मौका दिया है कि आपके सामने मैं अपने दिल को हल्का कर सकूं। आज हम लोग सब एक नए राजस्थान की ओर देख रहे हैं, यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चों ने यह तय कर लिया कि हमें एक ऐसा राजस्थान चाहिए जिस राजस्थान के अंदर जो हम टीवी में देखते हैं उससे अच्छा, जो दुनिया के अंदर हम लोग जाते हैं उससे अच्छा। इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये सरकार जो बैठी हुई है वो अपने जेब भरने में लगी हुई है, उसे कोई परिवार परवाह नहीं है कि जनता का क्या हो सकता है। चार साल कोई काम नहीं, और चार महीने रह जाते हैं तो चार महीने वाली पेंशन भी ले जाओ, तुम साइकिल भी ले जाओ, तुम लुगड़ी भी ले जाओ, तुम डॉक्टर भी ले जाओ, तुम टीचर भी ले जाओ, अपनी दवाई ले जाओ, अपनी जांच करा लो, पूरे राजस्थान को जेब में भर के ले जाओ। आपको हम देने को तैयार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें चार महीने की सरकार नहीं चाहिए, हमें साढ़े चार साल की सरकार नहीं, हमें पूरे 5 साल की सरकार चाहिए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, अभी प्रभुला जी के मंच पे चढ़े तो ऐसा ही माइक था, बोलना शुरू किया तो माइक ऑफ हो गया, बिजली गई। आज भी वही पुराने जमाने का दिमाग है कि खड़े हो जाते हैं मंच के ऊपर तो अपने हाथ में पावर है, अपन बिजली बंद कर दो तो ये क्या करेंगे। हमने कहा हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी माइक बंद कर दो, कितनी भी बिजली बंद कर दो, आप हाथ से गया करिए। अब ये जनता की अदालत में है और आप कुछ भी कर लो, जितना भी कर लो, ये जनता ने तय कर लिया है कि अब आप उस कुर्सी पे नहीं बैठने वाले हो,
वो मैंने देख लिया। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि घरेलू बिजली का काम हमने तब कर दिया था, वो आप लोगों को 24 घंटे घरों के अंदर मिलना चाहिए था। आने वाले समय के अंदर 24 घंटे घरेलू बिजली आपको मिलेगा, ये मैं सब लोगों को विश्वास आपको देना चाहती हूँ। दूसरी बात मैंने कही है, बच्चों को रोजगार देने का काम, उनको पढ़ाने का काम, ये हम लोगों की सबसे पहले प्रायोरिटी बन के रहेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख नौकरी अगर हम दे सकते हैं, पहले भी दिया है, तो आने वाले समय के अंदर 20 हम लोग नौकरी का काम दिलाएंगे। और ये टैर टू एक्ट का चक्कर, इसका प्रबंधन करेंगे। आप लोगों को आगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बार बार मैंने ये बात कही है, आप इतना ध्यान रखिए, पढ़ो लिखो तैयार हो जाओ, और सरकार आपको मौका देगी, आप लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा, आप लोग जाए हमारे राजस्थान को मजबूत करने का काम शुरू करेंगे। सब लोगों को बता रही हूं, पर मैं देख लिया एक कोटा की सड़कें, मंत्री आपके मैंने सड़कों का मंत्री यही लगा होगा, आपका ये सिटी और सबको सौंदर्यकरण करने का, उनको पानी दिलवाने का, उनको अच्छा करने का, वो सब मंत्री यहां, सब मंत्री इसी क्षेत्र के अंदर बैठे हुए। और आप देख सकते हो कि अगर कोटा संभाग का ये हाल है, तो पूरे राजस्थान का क्या हाल है, सोच लो एक मिनट के लिए। ये स्थिति है, और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये बदलने का काम आप लोग करने को तैयार हो कि नहीं। मैं तो तंग आ गई उन लोगों से जो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पैसे ले, हम आ गए तंग उन लोगों से जो पहली किश्त आपके इंदिरा आवास को देके फिर पैसे अपने जेब में रखे। हम तंग आ गए उनको, ट्रांसफॉर्मर मांग रहे तो कहते पहले पैसे दो फिर हम ट्रांसफॉर्मर आपको देंगे। हम यहां तक तंग आ गए जो अस्पताल में जाके लोगों को परेशान करते हैं। सरकार को एक मिनट के लिए अपने को नहीं रखना है, और इसीलिए मैं विश्वास करती हूं कि हम सबकी इज्जत को रखते हुए, हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम सोचते हुए, ऐसी सरकार जिसने नए राजस्थान के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया है, ऐसी सरकार और ऐसे लोगों को हटाने का काम आप लोग आने वाले समय के अंदर करोगे ही करोगे ना। हमारे भवानी जी बैठे हुए हैं, ओम जी बैठे हुए, चार तो एमएलए से ही बैठे हुए हैं। मैं तो कह रही हूं पहले चार एमएलए, क्योंकि आप लोग उसके ऊपर ठप्पा बनाओगे और ठप्पा के बाद ये फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। ये बात आपने तो देखी है, कोटा की जिम्मेदारी, कोटा की जीत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या? किसकी है? किसकी है? सबसे बड़े बैठे हुए हैं, सुन लो ये क्या कह रहे हैं। कोटा की जीत की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी और चारों की नहीं बल्कि सबकी है, ये चीज याद रखना। और अगर सबने हाथ खड़ा कर लिया है तो ये एक पूरा परिवार के रूप में जाके, और वो 8 दिसंबर को जब वो खुलेंगे और वो गिनती करेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कोटा और हाड़ौती संभाग ने अपना इतिहास बनाया है। पूरे के पूरे सीट लेके वापस जाएंगे। मैं विश्वास करते हुए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और विश्वास से लेके जाती हूँ कि जीत होगी होगी